अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आप में से बहुत सारे लोग जो मेकअप करने के शौकीन होते हैं और वो बहुत सारी मेकअप की प्रोडक्ट्स इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन उनको उनको अप्लाई करना नहीं आता या उनका सही फ़ायदा उठाना मेकअप की उन चीज़ों से नहीं आता। तो आज की वीडियो और आने वाली कुछ वीडियोज़ जो हैं वो इन्हीं टॉपिक्स पे होंगी कि जिनमें आप उन प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, या आप में से जो बिगनर्स हैं और वो मेकअप सीखना चाहते हैं तो वो कैसे जो है वो अपने पास मौजूद मेकअप की चीज़ों से एक अच्छा फ्लॉलेस लुक जो है वो ले सकते हैं। तो आज के जो इस वीडियो में मैंने इसके लिए पहला टॉपिक चुना है वो है मेकअप की बेस। तो मेकअप की बेस, जैसे कि आपको पता ही है कि मेकअप करने के लिए सबसे एक जो पहला स्टेप और मेकअप की जो पहली वो एक है वो आपकी बेस है, ठीक है, फाउंडेशन या बेस जो आप अप्लाई करते हैं। बेस हमारे लिए कैनवस का काम करती है कि जिस तरह कैनवस पे हम कोई सी भी पेंटिंग बनाते हैं, तो इसी तरह जब हम एक अच्छी फ्लॉलेस और अच्छी सी बेस हमें मिल जाती है तो उसके ऊपर हम आई मेकअप, ब्लश ऑन, लिपस्टिक, जो भी चीज़ लगाते हैं वो बहुत खूबसूरत लगती है और वो हमारे जो जितने भी फीचर्स हैं उनको इन्हेंस करती है और उनको मज़ीद खूबसूरत बनाती है। तो आए अगर हम इस उसमें वीडियो में देखते हैं कि हम कैसे ये एक फ्लॉलेस बेस को ले सकते हैं। अब बेसिस जो होती हैं वो आपको पता है, पार्टी मेकअप के लिए भी बेस होती है वो जो डिफरेंट होती है, मॉडल मेकअप में एक डिफरेंट बेस होती है, ब्राइडल मेकअप में एक डिफरेंट बेस होती है, और वैसे नॉर्मली हम कोई छोटे फंक्शंस या जिस तरह गेट टुगेदर्स होती हैं उसमें एक अब बिल्कुल डिफरेंट बेस करते हैं, या उसके अलावा वो लड़कियां जो यूनिवर्सिटी या स्कूल कॉलेज जाती हैं तो वो एक प्रेजेंटेबल लुक के लिए, या जो भी डेली आप एक रूटीन में अपने ऑफिस वर्क में जाते हैं उसमें एक हम बिल्कुल डिफरेंट लाइट सी बेस करते हैं, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट बेसिस होती हैं जिस पे मैं अपनी मुख्तलिफ वीडियोस में आपके साथ वो शेयर करूँगी कि आप उनको कैसे बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो मैं बनाऊँगी बेस, ये ऐसी बेस होगी जिसको आप एक जैसे वेडिंग गेस्ट के तौर पे जाते हैं तो आप वहाँ पे ये बेस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसमें आप एक दो चीज़ें और स्किप कर दें तो आप इसको नॉर्मल डेली वेयर के लिए भी ये बेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि ये क्या प्रोडक्ट्स हैं जो हम इस बेस के लिए यूज़ करेंगे। सबसे पहली चीज़ है ये मॉइस्चराइज़र। ये देखिए, मॉइस्चराइज़र आप कोई सा भी ले सकते हैं, ये जैसे मेरे पास ये सेटाफिल और ये फिजियो जेल का मॉइस्चराइज़र है, उसके अलावा भी जो आप अपने नॉर्मल रूटीन में मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं वो आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहली जो चीज़, वो है मॉइस्चराइज़र। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमें इसमें चाहिए होगी वो होगी ये लिक्विड बेस। और लिक्विड बेस तो आपको पता है हम जो लगाते हैं, ये मेरे पास इस टाइम जो मैं इसमें यूज़ करूँगी वो है ये ब्यूटीफाई बाय आमना की। और जो तीसरी प्रोडक्ट है इसमें वो है ये टीवी पेंट स्टिक। और टीवी पेंट स्टिक तो मेरे ख्याल में सभी इसको जानते होंगे और ये हर घर में मौजूद होती है, ठीक है। और उसके बाद इसमें और चीज़ें जो हम डालेंगे वो ये मेकअप प्राइमर है। ये देखिए, ये मेकअप प्राइमर है, ये भी आप कोई सा जो भी आप अपनी स्किन के लिए यूज़ करते हैं वेदर और स्किन टोन को देखते हुए, या वो लेंगे। उसके अलावा अब ये जो दो चीज़ें हैं ये ऑप्शनल हैं, ठीक है। ये इनमें एक तो ये ब्यूटी ऑयल है जिसके मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर जैसे अब विंटर सीज़न स्टार्ट हो रहा है और या फिर अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो फिर दोनों सूरतों में आप ये ऑयल के एक से दो ड्रॉप्स जो हैं वो अपनी बेस में डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो है लिक्विड इल्यूमिनेटर के नाम से, ये आइकॉनिक का है, वैसे ये डिफरेंट ब्रांड्स में मिल जाते हैं, आप कोई सा भी अपने बजट के मुताबिक ले सकते हैं, ठीक है। और लिक्विड इल्यूमिनेटर जो है ये क्या होता है, जिसे हम हाइलाइटर यूज़ करते हैं ना, तो वो हाइलाइटर्स तो होते हैं पाउडर फॉर्म में, तो ये जो इल्यूमिनेटर होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब हम ये हो गए इन सब प्रोडक्ट्स के आपको जो मैंने बता दी डिटेल, ठीक है। और ये मोस्टली आपके पास इनमें से तकरीबन सब चीज़ें ही होती हैं, हाँ ब्रांड्स डिफरेंट होते हैं लेकिन ये सब चीज़ें आपके पास मौजूद होती हैं। तो अब हम इस बेस को तैयार करने के लिए देखें, ये एक पैलेट है, हम ये लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले तो ये देखिए
ये हमारी लिक्विड बेस जो है ये हम इसका ये, क्योंकि मैं बिल्कुल थोड़ी आपको बनाने का तरीका बता रही हूँ, तो वैसे आप इसको अपने फेस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, जो आपके पूरे फेस और नेक के ऊपर आप इसको अप्लाई कर लें। तो ये हो गई, इसमें थोड़ी लिक्विड बेस हमने डाल ली, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज़ जो हम डालेंगे वो होगी हमारी ये टीवी पेंट स्टिक। ये देखिए इसको हमने कैसे डालना है, ये देखें, हम इस पेंट स्टिक को लेंगे और इसके थोड़ा सा, बिल्कुल ये देखिए, ये इतना इसका हम लेके क्वांटिटी, और हम इसको भी इसके अंदर मिक्स करेंगे। और उसके बाद तीसरी चीज़ जो हम इसमें डालेंगे वो ये मॉइस्चराइज़र, जैसे कि मैंने सेटाफिल का डाल रही हूँ, आपको जो भी सूट करता है और जो भी आपके पास है वो आपने अपनी स्किन के उसके मुताबिक डाल लेना है। अच्छा, अब ये इसमें तीन चीज़ें हमने डाल ली, अब चौथी चीज़ जो इसमें डलेगी वो होगी ये प्राइमर। ये देखिए ये प्राइमर जो है ये भी बिल्कुल मैंने इसमें, ये देखिए, एक ड्रॉप प्राइमर का डाल दिया, ये अगर आपको नज़र आया हो तो, ये देखिए ये मैंने इसमें एक ड्रॉप प्राइमर का ये डाल दिया। और उसके बाद ये जो मैंने आपको लिक्विड एलिमिनेटर बताया था, तो इसको भी ऐसे ही मैंने इसमें, ये देखिए, और ये भी ऑप्शनल है, लेकिन इससे हमारी जो बेस आजकल जैसे फैशन में है कि बहुत ड्यूई और बहुत ग्लोई बेस लोग पसंद करते हैं, तो उसके लिए हम इसको डाल सकते हैं। और ये जो मैंने आपको ब्यूटी ऑयल बताया था, ये हम सिर्फ उस सूरत में डालेंगे कि अगर हमारी स्किन जो है वो बहुत ड्राई है, या फिर ये अगर जो है विंटर सीज़न है, अगर गर्मियां हैं या आपकी स्किन ऑयली है, तो दोनों सूरतों में ये ऑयल हम नहीं डालेंगे बल्कि इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इसको हमने एक पैलेट में या किसी भी चीज़ में, बॉक्स में, जिसमें भी आप बना के ये रख रहे हैं, उसके अंदर इनको डाल के आप अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल इसको हमने ना अच्छे से मिक्स कर लेना है कि सब चीज़ें जो हैं वो इसमें मिक्स हो जाएं। और जो इसमें हमने लिक्विड बेस और जो स्टिक डाली है, वो दोनों चीज़ें आपने इस उसमें डाली हैं कि जो आपके कॉम्प्लेक्शन है अपना, जैसे अगर एक चीज़ जो है अगर आप उसमें थोड़ा लाइटर शेड ले रहे हैं और दूसरी चीज़ जो है वो हम एक टोन डार्क ले लेंगे, तो वो बिल्कुल बहुत अच्छा हमारी स्किन का ब्लेंड बन जाएगा। यानी कि अगर लिक्विड और स्टिक हैं, दोनों में से एक चीज़ जो है वो हम अपनी स्किन से एक टोन लाइटर और दूसरी चीज़ एक टोन डार्क कर लेंगे। ये देखिए, ये देखें, अभी मैं आपको अपने हाथ पे अप्लाई करके बताती हूँ। ये देखें, ये इसको हम अच्छे से अपने हाथ पे अप्लाई कर लेंगे। वैसे तो अगर जब हम कोई भी बेस या कुछ भी हाथ पे अप्लाई करते हैं, तो हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जो हमारा हाथ है उसकी स्किन का टेक्सचर और हमारा फेस जो है उसका टेक्सचर, वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इसलिए मतलब हमें सिर्फ एक हम ये आइडिया कर रहे हैं, या मैं आपको जैसे अप्लाई करके एक एप्लीकेशन का तरीका बता रही हूँ, वरना जो ये इस हाथ पे हमें अपनी ये जो बेस जो नज़र आएगी, फेस पे लगा के इससे ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी, क्योंकि हमारे फेस का टेक्सचर हमारे हाथ की नस्बत ज़्यादा अच्छा होता है और स्मूथ होता है, ठीक है। अब हमने जब इसको अप्लाई कर लिया, तो अब हम इसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, ये देखिए, इसको ब्लेंड कर लेंगे। और ये हमने बिल्कुल इसको लाइट प्रेशर के साथ ब्लेंड करना है। और ये हमारी एक, जिसको आपने काफ़ी इसका ट्रेंडिंग में आजकल कस्टमाइज बेस भी इसको कहते हैं, ये वो रेडी हो गई है। और ये अक्सर जो है ये पार्लर्स में भी उन्होंने मिक्स करके ये रखी होती है, और
वो जब निकाल के हमें लगाते हैं और हमें बिल्कुल पता नहीं चलता या अंदाज़ा नहीं होता कि उसमें क्या क्या मिक्स है, तो ये मैंने आपको आज ये वो सीक्रेट भी बता दी है कि कस्टमाइज बेस जो है वो हम कैसे तैयार करते हैं। तो ये एक पार्टी मेकअप के लिए कस्टमाइज बेस जो है वो रेडी है, ठीक है। और ये देखिए, अब अगर मैं आपको दोनों हाथों में डिफरेंस दिखाऊं तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कितनी अच्छी फ्लॉलेस बेस बनी है। ये देखिए, अगर ये लाइट की वजह से, हाँ ये देखें, इधर आपको सही समझ आएगी, ये मेरा हाथ जो है ये इसके अपने ओरिजिनल कलर है और ये बेस है। और इस बेस के लुक देखें, अगर आप वैसे इसको देखें तो आपको ये देखने में कितनी खूबसूरत लगती है ये। और इस जब आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, और अगर आपको लगे कि कहीं थोड़ी सी और लगाने की ज़रूरत है तो आप इसको और भी लगा सकते हैं। ये देखें, मतलब कवरेज जो है ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और ये कवरेज जो है ये आप एक वेडिंग गेस्ट मेकअप में बेस बहुत बेस्ट चलती है, पार्टी मेकअप में ये बेस बहुत अच्छी चलती है। और उसके अलावा अगर इसमें आप जो स्टिक वाली बेस डाली है उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर लें तो ये आपके नॉर्मल डेली वेयर के लिए भी ये बेस बहुत अच्छी चलेगी। और ये देखिए, इनमें फ़र्क देखिए, ये कितना फ्रेश लुक आ रही है, और ये जो है ये ओरिजिनल कलर है, ये देखिए। तो ये मैंने आपको इसमें आज जो है ये कस्टमाइज बेस बनाने का तरीका बताया है। अब इसको हम यूँ भी कर सकते हैं कि बिल्कुल जब ये हम बेस अप्लाई कर लें और ब्लेंड कर लें तो एंड पे इसके ऊपर हम कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज़ पाउडर लेके हल्का सा ये टैप कर देंगे, और ये हमारी एक लॉन्ग लास्टिंग बेस तैयार है। इसके ऊपर आप फिक्सर स्प्रे भी कर सकते हैं, और जी तो जब आप इसके ऊपर अपना जो कम्पैक्ट पाउडर या फिक्सर स्प्रे कर लेंगे तो फिर उसके बाद ये आपकी एक शानदार जो है वो लॉन्ग लास्टिंग किस्म की कस्टमाइज बेस जो है वो तैयार हो जाएगी, जो आपके हाथ के टेक्सचर की वजह से तो आपकी थोड़ी फिर भी इतनी स्मूथ नहीं लग रही होगी, लेकिन अगर आप इसको फेस पे लगाएंगे तो फेस के ऊपर ये बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट देगी। और ये किसी भी अच्छी हाई एंड बेस के से कम नहीं होगी। और इसमें अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए या आप कोई भी क्वेश्चन और करना चाहें या इसमें और किस्म की बेसिस आप चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।